हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज 11 में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में है। आज का हमारा वीडियो भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में है कि भारत के कौन कौन से राष्ट्रपति बनाए गए, वो एक एक करके सीरियल वाइज जानेंगे दोस्तों कि अब तक भारत के कितने लोगों को राष्ट्रपति बनाया गया और वो कौन थे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे हैं एक नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, जो कि 26 जनवरी 1950 से लेके 23 मई 1962 तक रहे। ये भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति हैं दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 से लेकर 62 तक लगभग 12 साल ये राष्ट्रपति रहे। अगला, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं। इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक। कब था दोस्तों? 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक। अगला, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल दोस्तों 13 मई 1967 से लेके 3 मई 1969 तक। कब था दोस्तों? 1969 तक। अगला, वराहगिरी वेंकटगिरी, इनका कार्यकाल 3 मई 1969 से लेके 20 जुलाई 1969 तक। इनको डॉक्टर जाकिर हुसैन के मृत्यु के कारण राष्ट्रपति बनाए गए, यानी बीच कार्यकाल में डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गया, इसलिए उनके जगह इनको वराहगिरी वेंकटेश गिरी को 3 मई 1969 से लेके 20 जुलाई 1969 तक राष्ट्रपति बनाया गया। अगला, फारूख अली अहमद, पांचवें हमारे राष्ट्रपति है दोस्तों फारूक अली अहमद। इनको 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक ये रहे। अगला, नीलम सतीश रेड्डी, इनका कार्यकाल अगला नीलम सतीश रेड्डी इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से लेके 25 जुलाई 1982 तक। ये हमारे भारत के छठे राष्ट्रपति हैं। सातवें नंबर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, ये 25 जुलाई 1982 से लेके 25 जुलाई 1987 तक ये रहे, ज्ञानी जैल सिंह। ये भारत के सातवें नंबर राष्ट्रपति हैं दोस्तों। ये 25 जुलाई 1982 से लेके 25 जुलाई 1987 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। सातवें नंबर स्वामी वेंकट रमन, ये भारत के वैज्ञानिक, और इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से लेके 25 जुलाई 1992 तक रहा। ये सीवी रमन है, स्वामी वेंकट रमन, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से लेके 25 जुलाई 1992 तक रहा। ये भारत के आठवें नंबर राष्ट्रपति हैं। अगला, शंकर दयाल शर्मा, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से लेके 25 जुलाई 1997 तक है। कब तक है दोस्तों? 1997 तक। दसवें नंबर हमारे थे KSRS नारायण, दसवें नंबर राष्ट्रपति हमारे KSRS नारायण, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से लेके 25 जुलाई 2002 तक था। कब तक था दोस्तों? 2002 तक। अगले हैं हमारे भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से लेके 25 जुलाई 2007 तक रहा। ये भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति रहे और भारत के महान वैज्ञानिक हैं ये, जिन्होंने अग्नि 5, अग्नि 4, DRDO में भी काम किया। ये 11वें नंबर राष्ट्रपति हैं दोस्तों। अगला, प्रतिभा देवी सिंह पटेल, ये भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति
और 12वें नंबर के राष्ट्रपति है। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से लेके 25 जुलाई 2012 तक था। कब तक था दोस्तों? 2012 तक। ये भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। अगला जो हमारा है 13वें नंबर राष्ट्रपति, यह है प्रणब मुखर्जी। प्रतिभा देवी सिंह पटेल के बाद प्रणब मुखर्जी को 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक ये राष्ट्रपति रहे। कब तक रहे दोस्तों? 25 जुलाई 2017 तक। अगला रामनाथ कोविंद, ये भारत के 14वें राष्ट्रपति, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से लेके 25 जुलाई 2022 तक था। कब तक था दोस्तों? 2022 तक। कोरोना काल में इनके वेतन से भी कटौती किया गया था दोस्तों, जिसके लिए नाराजगी जताए थे। अगला 15वें नंबर हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से लेके 27 तक होगा। अभी तक ये कार्यरत है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू अभी तक कार्यरत है। तो दोस्तों हमें आशा ना पूरा भरोसा है कि आप ये वीडियो देख कर जान गए होंगे कि अब तक हमारे भारत के कौन कौन से राष्ट्रपति बनाए गए, उन्हीं का कार्यकाल कब तक था। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो।